अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है बफर जोन में और यहाँ पे अभी एक पानी की लाइन का काम हो रहा है, तो हमारे साथ इश्तियाक साहब मौजूद हैं। आइए जरा इनसे तफसील जानते हैं इस पानी की लाइन के काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वाटर बोर्ड जो ये लाइन डलवा रहा है, ये एक इलाके से दूसरे इलाके को पानी की लाइन दी जा रही है? ये एक इलाके से दूसरे इलाके को पानी नहीं दिया जा रहा, ये हमारी मेन लाइन है जो 15 इंच, ये तमाम इलाकों को पानी देती है। यहाँ पे काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रही है, तो एक लाइन हम बाईपास डाल के इंटर कनेक्शन मिला रहे हैं अपनी ही 6 इंच की लाइन से, क्योंकि हमारी ये लाइन इरम से आती है और इसका वाया बहुत लंबा है। तो एक शॉर्ट टर्म इस गलियों का काफ़ी टाइम से मतलब था, MPA जमाल अहमद साहब, UC चेयरमैन याद है नवेद जफर साहब और उन्हें वाइस चेयरमैन और दीपक सेक्रेटरी से, तमाम सियासी और मजहबी जमातों से ही हमें आ रही थी। तो ये हमने इसका शॉर्ट टर्म लायमल बनाया कि ये इलाका हमारा तकरीबन 4-5 साल से पानी से महरूम है, तो हमने अपनी मेन ब्रांच से ये लाइन डालना है, 4 इंच की इंटर कनेक्शन जो 6 में जाके मिलेगा। तो हमें उम्मीद है ये लोगों का जो 5-6 साल से मसला है ये हल होगा। और अच्छा, इससे एक सवाल बस ये था कि ऐसा तो नहीं है कि अगर इधर से इधर पानी दे दिया जाएगा तो आगे किसी का पानी कम हो जाए? आगे कम होने का चांस यूँ नहीं है कि ये लाइन मेरी ऐसी घूम के उल्टी जाके फिर ऐसे पानी डाल रही है। तो जो पानी हमारे TNT की तरफ से जा रहा था, अब वो 20 से ही इनको जल्द अ जल्द जो 2500 का फासला है वो 260 फुट पर हमने कन्वर्ट किया है। 2500 घूम के पानी आ रहा था, अब ये 260 रनिंग फुट पर शॉर्ट टर्म से ये पानी आ जाएगा। और ये तमाम लोगों की सियासी जमात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MKM हो, चाहे वह जमात इस्लामी की चेयरमैन, सबकी मुशावरत से ये वाटर बोर्ड अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से ये काम करा रही है। इसमें मैं अपने MD साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात सुनी, इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन साहब का, असदुल्ला साहब CEO और चीफ इंजीनियर मोहम्मद अली शेख, और नॉर्थ आजाबाद के एक सिंध को तो आप जानते, बड़े मशहूर हस्ती, उनका नाम सुहेल तैयब है, तो उनको ये विजिट कराने के बाद ये काम कराया गया। तो मैं तमाम सियासी और मजहबी जमातों का भी कहूँगा कि उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, हमारे साथ प्रॉब्लम किया, रोड कटिंग की परमिशन टाउन चेयरमैन से आतिफ अली खान से दिलवाई, MPA जमाल अहमद का और हमारे सेनेटर मसरूर हसन साहब का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक ऐसा मसला था, इस पर सारे लोग मुत्तफिक हैं कि ये काम होना चाहिए, तो वाटर बोर्ड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में ये काम करा। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा इस काम को कम्प्लीट करने? अराउंडिंग हमारा 1 से 1.5 घंटे का काम और रह गया है। एक रोड हमने काट ली है, दूसरी रोड कार्ड आपके सामने ये कटिंग हो चुकी है, इसमें पाइप बिछा के हम रोड क्लियर करके फिर अपने अंदर चले जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये थी तफसील पानी के लाइन के हवाले से जो यहाँ पे काम हो रहा है उसकी आपने जानी, और उम्मीद करते हैं कि इस लाइन डलने के बाद जो इलाका मुतासर है उसको पानी मिल जाएगा। सही निशान को तो हम याद रखिएगा, किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।